Alright, what's up guys, good morning, and today is day 4. We are going to check out and we are going to head towards Chandigarh. So final view of this amazing place. बहुत अच्छा स्टे था. तो हम लोग एक फ्लैग लेके आए थे, इसको लगाते हैं हम लोग और देन उसके बाद सीधे निकलेंगे. अभी बेटर है. सो लेट्स गो नाउ, इट्स लुकिंग गुड. चलो चलते हैं. सो फाइनल बाय बाय टू दिस ब्रिज. और बहुत अच्छा रहा हम लोगों का सफ़र, काफ़ी इंजॉय किया, बहुत सारी जगह एक्सप्लोर की, मज़ा आया घूमने में. एंड नाउ वी आर गोइंग टूवर्ड्स कुल्लू, और कुल्लू से सीधा रास्ता है वहाँ से आगे पकड़ने का. तो यहाँ से जो कुल्लू का हाईवे है बहुत ही अच्छा है, आपको 4 लेन हाईवे मिल जाएगा और पूरा रिवर साइड में चलता चला जाता है रास्ता, बहुत अमेजिंग है. और आप ऊपर देख सकते हो क्या नज़ारा है भाई, क्या नज़ारा है. मतलब आपको पूरा सन जो है, सन रेज वो पूरा क्रॉस करके आ रहा है, इतना ज़बरदस्त लग रहा है. आपको थोड़ा सा और आगे लेके जाता हूँ, थोड़ा सा और आगे में इतना सही दिखेगा कि मज़ा आ जाएगा. और बहुत मस्त हो चुका है मौसम, ठंडा है बट मज़ा आ रहा है. अभी हल्का हल्का सा धूप है, अभी थोड़ा सा धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा, गर्मी बढ़ती जाएगी, टेम्परेचर थोड़ा सा अप हो जाएगा तो ईजी हो जाएगा हम लोगों को भी ट्रैवल करने के लिए. वरना अभी है जो चंडीगढ़ इज़ समवेयर अराउंड 305 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस, एंड इट विल टेक समवेयर अराउंड 9 आवर्स. तो ओके है जर्नी, अगर आप चंडीगढ़ से ट्रैवल कर रहे हो या जहाँ से भी दिल्ली से ट्रैवल कर रहे हो, आपका प्लान है लंबा राइड का, बाइक राइड का, तो आई विल सजेस्ट यू टू गो फॉर सम क्रूजिंग बाइक. क्योंकि कहीं कहीं पे रोड आपको ऐसा मिलेगा कि लिटरली दुख जाएगा पीछे. तो बहुत अच्छा है. तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और है, जब यहाँ पे मनाली से एंटर करने वाले तो थोड़ी देर पहले आपको जो है आपको ग्रीन टैक्स देना पड़ता है, जो कि है बाइक्स के लिए 100 रुपीज़. आई एम नॉट श्योर अबाउट कार, वही कुछ रहेगा 200-300 का राउंड. बट इट्स गुड एक्चुअली, दे हैव मेंटेन दिस प्लेस. और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे जगहों को मेंटेन करके चलते हैं और पूरा अच्छा सा व्यू आता है, आपको रोड्स क्लीन मिल जाएगी. कहीं कहीं डंप किया हुआ है कूड़े को, ऑब्वियसली कहीं तो करना पड़ेगा. बट आई हैव सीन वन गुड थिंग विच इज़ दे हैव यूज द कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक बॉटल्स टू मेक द डस्टबिन, सो दैट्स व्हाट आई लाइक हियर. तो ये देखिए यहाँ पे क्या सही पूरा पानी का फ्लो है, और ये पूरा रिवर राफ्टिंग यहीं पे होती है. तो अभी तो टाइम बचा नहीं है. ये देखिए रास्ता यहाँ का हल्का हल्का सा घूमा हुआ, मस्त आता है पूरा टर्निंग करने में मज़ा ऐसे करके यहाँ पे. ये बहुत सही लग रहा है. बस जहाँ पे शार्प टर्निंग आ रही है वहाँ पे थोड़ा सा स्लो डाउन कर लीजिए, क्योंकि आगे कितना स्पीड में गाड़ी आ रही पता नहीं लग रहा. पेट्रोल तो वैसे दिखा ही रहा है बट आई थिंक एक बार फुल करवा लेता हूँ और जो टायर प्रेशर है वो चेक करा लेता हूँ, क्योंकि बीच में पेट्रोल पंप कहाँ पे मिलेगा आई डोंट नो. तो यहाँ पे ये जो टोल सा पड़ा था, यहाँ पे आपको जो ग्रीन टैक्स है वो पे करना पड़ता है. तो ये क्रॉस कर गए ट्रेन को और यहाँ पे देखिए अगेन, मतलब आपको कुल्लू से मनाली तक के जो नज़ारे मिलते जाएंगे ना, मेमोरेबल चीज़ है, कभी नहीं भूलोगे आप कि किस हिसाब से ये पूरा आपका रोड बना हुआ है, साइड में क्या व्यू है,
मतलब यादगार ट्रिप रहेगी अगर आप बाइक से आते हो, कार से आते हो, जिससे भी आते हो, बट बहुत मज़ा आएगा। अभी थोड़ा सा ठंडा है काफ़ी, यहाँ पे आई थिंक 2 डिग्री के नीचे ही है अभी टेम्परेचर, क्योंकि जो सनराइज़ है प्रॉपरली हुआ नहीं है अभी, और ये जो है पूरा आपका ब्रिज है यहाँ से क्रॉस का, तो बहुत सारे ब्रिज मिल जाएंगे आपको यहाँ से, एंड जो मैंने फ्लैग लगाया वो हर जगह लगे हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो फ्लाईओवर है ये है चंडीगढ़ जाने के लिए। व्हेन आई वाज कमिंग टू टुवर्ड्स मनाली, तो मैंने नीचे वाला रास्ता दे दिया था जो कुल्लू से स्ट्रेट आता है, एक तरफ से ब्रिज से टर्न करना था, सो दिस इज़ एक्चुअली नेशनल हाईवे 3। तो ये रोड अच्छा बना हुआ है, तो मैं जिस रोड से आ रहा था वो थी वो वाली रोड वहाँ पे, अगर आपको दिखेगी तो इसलिए नाउ आई एम गोइंग फ्रॉम दिस रोड, बिकॉज वो वाला रोड में थोड़ा सा अभी दिन भी हो चुका है एंड ट्रैफिक भी मिलेगा। तो आपको राइट साइड में पूरी कुल्लू सिटी दिख जाएगी, और जो हाईवे है उसके जस्ट अपोजिट रिवर क्रॉस करके यहाँ से ये हाईवे पूरा चल रहा है। बहुत सही व्यू आ रहा है यार यहाँ से, मतलब लाइन से पहाड़ियाँ हैं सारी, देखो है तो बढ़िया, बट वही है कि अचानक से कहीं से भी टर्न दिखा देता है जहाँ पे टर्निंग एक्चुअली होती भी नहीं है, हल्का फुल्का सा रास्ता था, टर्न भी नहीं पता लगा। तो हम लोग अभी मंडी के लिए कुल्लू से राइट मोड़ चुके हैं, और जो भुंतर एयरपोर्ट पड़ता है आपका कुल्लू मनाली का एयरपोर्ट, तो वहाँ से थोड़ा सा और आगे जाके आपको टर्न लेना पड़ता है राइट टुवर्ड्स मंडी। तो यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता है पतला एंड थोड़ा सा रिस्की है रास्ता, क्योंकि यहाँ पे पतली रोड्स हैं और पूरा ब्लाइंड कर्व्स बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है IIT का कैंपस, और काफ़ी अच्छी जगह बना हुआ है। तो ये है मेन मंडी सिटी, JCB की खुदाई भी देख लो भाई, पूरा जाम लगा के रख दिया पीछे, कम से कम नहीं 2 किलोमीटर का जाम है। तो ये देख लो भाई कितना लंबा जाम लगा है यहाँ पे। तो ये मंडी क्रॉस करके आप रोड देख सकते हैं कितनी बढ़िया है, यहाँ पे आपको सीधा सा रास्ता मिलेगा। हाँ तो हम लोग अभी पहुँचने वाले हैं बिलासपुर, और ये देख सकते हो मैंने इसका वीडियो भी डाला था अपने इंस्टाग्राम पे। आज के लिए भी एक बढ़िया शायरी दिख गई है ट्रक के पीछे, वो है लड़की की हंसी और कुत्ते की खामोशी पर भरोसा मत करना, तो सीख लीजिए भाई यहाँ से। तो सूरज ढलने वाला है और हम लोग, यार ये चिड़िया भी ना बहुत नीचे नीचे से जाती है, तो हम लोग अभी 100 किलोमीटर्स दूर हैं। तो यहाँ पे ये देखो एक और पुल, इसका मेरे को लग रहा है कुछ स्टैंड वैंड लग रहा है नीचे, बट इट्स फाइन, अभी तो पहुँचने ही वाले हैं। तो यहाँ पे है पूरी आपकी नहर, और हम लोग एंटर कर चुके हैं पंजाब। बाकी यहाँ से चंडीगढ़ है 70 किलोमीटर, दिल्ली 2323, और आगे आप देख सकते हो यहाँ पे जो लंडी जीप कहते हैं हम लोग पंजाब में, तो जो ऊपर से खुली हुई होती है उसको लंडी जीप कहते हैं, और यहाँ से जा रहा है पूरा आपका नहर। ये जो गाड़ी है ये है फोर्ड की, बढ़िया लग रही है। वी हैव रीच जीरकपुर, तो अभी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हल्का से ही थोड़ा सा डिस्टेंस रह गया है। सो आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, एंड मनाली की जो भी सीरीज़ रही आपको व्लॉग की पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस एंड ऑसम ड्रोन शॉट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, टेक केयर, सी यू, बाय बाय, हसल आउट।